पूरे भारत देश में कोरोना का कहर बना हुआ है। लगातार भामाशाहों और समाज सेवियों द्वारा जितनी कोशिश हो सके उतनी सहायता मरीजों के लिए अस्पताल प्रशासन की ओर से की जा रही है। समाज सेवियों की इस कड़ी में रूपपुरा के सुरेंद्र यादव की ओर से थोई के सीएससी चिकित्सालय को 5 बेड और मास्क सैनिटाइजर भेंट किए गए। इस दौरान हॉस्पिटल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कानाराम, डॉक्टर अरुण शर्मा पदाधिकारी व सभी नर्सिंग स्टाफ मौजूद रहे। साथ में पंचायत समिति अजीतगढ़ के प्रधान एडवोकेट शंकरलाल यादव, बाबूलाल धुंधला अध्यक्ष पीली का जोड़ा गौशाला, भाजपा थोई झाड़ली मंडल अध्यक्ष पवन सोई, मंडल कोषाध्यक्ष रोहित माहेश्वरी, समाजसेवी राधेश्याम कुमावत, पूरण जांगिड़ रूपपुरा सज्जन सिंह शेखावत, रूपपुरा श्रवण यादव, वकील गोवर्धन राज, देशराज यादव, ग्यारसी लाल, मनोज मील आदि लोग उपस्थित थे। समाज सेवी सुरेंद्र यादव का कहना है कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है जो हमें आगे भी काम आएगा। हाँ सर, ये जो बेड डोनेट किए हैं किस उपलक्ष्य में किए हैं सर? भाई सुरेंद्र जी ने, जो कि हमारे यहाँ से समाज सेवी हैं करण का पंचायत से, इन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थोई में मरीजों के लिए बेड डोनेट किए हैं और सैनिटाइजर मास्क उपलब्ध करवाए हैं। इन्होंने जो कोरोना महामारी के चलते हुए ये जो निर्णय लिया है बेड डोनेट करने का अस्पताल में, इनका बहुत बहुत तहे दिल से आभार और इनका स्वागत है। और भी दानदाताओं से मैं अपील करना चाहूँगा कि अस्पताल परिसर में अगर कोई अव्यवस्थाएँ हैं और कुछ अस्पताल या उपकरण जो यहाँ कमी रखते हैं, तो भामाशाहों से निवेदन करूँगा कि वो भी आगे आकर के अस्पताल में चिकित्सीय उपकरण और बेड डोनेट करें, जिससे कि आने वाले मरीजों की देखभाल।